आईपीएल 2022 के 32वें मैच में दिल्ली ने पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया है। पंजाब की टीम ने दिल्ली को 116 रन का टारगेट दिया था, जिसे दिल्ली की टीम ने 11वें ओवर में ही चेस कर लिया। पंजाब की हार के जिम्मेदार शिखर धवन रहे। मुंबई के खिलाफ मुकाबले को छोड़ दें तो धवन किसी भी मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हो गए थे। ऐसे में टीम की कमान शिखर धवन के पास थी। सनराइजर्स के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में मयंक की टीम में वापसी हुई और ऐसा लगा धवन और मयंक टीम को जोरदार शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन धवन का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा। मैच में उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाकर आउट हो गए।